सुप्रभात बच्चों, क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज से मैं नंदिनी आपकी हिंदी अध्यापिका क्लास 9th की। बच्चों, कल हमने कबीर दास जी की 5 साखियाँ पढ़ी थी, आज हम 6वीं साखी पढ़ने जा रहे हैं। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरण सार। भक्ति भजन, भक्ति मतलब भक्ति, भजन हरि नाम, नाम मतलब नाम, दूजा मतलब दूसरा, दुख मतलब दुख, अपार मतलब अत्यधिक, मनसा मन से, वाचा वचन कर्म कार्यों के द्वारा, वाचा वचन यानी वाणी, सुमिरण मतलब याद करना, सार मतलब सारांश, सार निचोड़। तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चों पूरे का, आप क्या कहोगे, क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि कबीर दास जी कहते हैं कि मन से, वाणी से और कर्म से भगवान के नाम का स्मरण ही भक्ति एवं भजन का सार है, तत्व है, सार तत्व है। इसके अतिरिक्त संसार की सारी वस्तुएं एवं बातें अपार दुख है। व्यक्ति को अन्य आडंबर त्याग कर मन, वाणी और कर्म से भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। बच्चों, आप काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे? काव्य सौंदर्य में भाषा सधुकड़ी, हाँ बिल्कुल सही बच्चों। छंद आप दोहा लिखेंगे, रस आप शांत लिखेंगे, और इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें अनुप्रास अलंकार है बच्चों। अगली साखी हम पढ़ेंगे, 7वीं साखी, कबीर चित्त चमकिया, चहु दिसी लागी लाई, लाई मतलब आग होता है बच्चों। हरि सुमिरण हाथ उघड़ा, बेग लेहु बुझाए, चित्त मतलब मन, हृदय, चमकिया मतलब चमत्कृत होना, आकर्षित होना, चमकना, चहु दिशी, दिशी मतलब दिशा, चहु मतलब चारों, चारों दिशाओं में, लागी लाई, लाई मतलब आग लगी हुई है, हरि मतलब ईश्वर, सुमिरण मतलब याद करना, हाथ मतलब हाथ, घड़ा मतलब घड़ा, बेगे लेहु बुझाए, बेगे मतलब शीघ्र, जल्दी से, लेहु मतलब लो, बुझाई मतलब बुझाना, शांत करना। तो क्या कह रहे हैं कबीर दास जी? कहते हैं कि मेरा चित्त ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गया है, जिसने मुझे चारों तरफ विषय वासनाओं की अग्नि लगी हुई दिखाई पड़ रही है। अब भगवान का स्मरण रूपी घड़ा हाथ में आ गया है, इससे विषय वासनाओं रूपी अग्नि को शीघ्र ही बुझा लेना चाहिए। अगली साखी है बच्चों आपकी 8वीं, अशनिया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जिभणिया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारे। अशनिया झाई पड़ी, अशनिया मतलब आँखों में झाई पड़ गई, झाई मतलब काली हो गई आँखें, पंथ मतलब मार्ग, रास्ता, निहारना मतलब देखना, जिभणिया मतलब जीभ, छाले, छाला मतलब छाड़े, पड़िया मतलब पढ़ना, राम पुकारी पुकार, राम को पुकार पुकार, राम मतलब ईश्वर, निराकार ब्रह्मा, निर्गुण ब्रह्मा के उपासक है कबीर दास जी। तो वो कहते हैं कि ईश्वर का नाम पुकारते पुकारते, सॉरी बच्चों, शुरू से देखिए, अशनिया झाई पड़ी, कह रहे हैं कि ईश्वर का मार्ग देखते देखते मेरी आंखों में झाई पड़ गई, और राम का नाम पुकारते पुकारते अर्थात ईश्वर को पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए। मतलब ये हुआ कि भाव यह है कि मैं परमात्मा के दर्शन करने के लिए निरंतर आंखें खोले रहता हूँ तथा निरंतर उनका नाम पुकारता रहता हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर कृपा नहीं की, मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिए, अब तो मुझ विरहणी पर कृपा करके अपने दर्शन से मुझे कृतार्थ कर दो, हे प्रभु, हे ईश्वर। अगली साखी है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। झूठे सुख को सुख कहे,
कहे मतलब कहना, मानत है मन मोद, मोद मतलब प्रसन्न होना, जगत मतलब संसार, चबैना मतलब होता चना, जो आप लाई चना खाते हो उसको चबैना बोलते हैं, या ग्रास कह लो, निवाला कह लो। काल मतलब होता है समय, और काल मतलब मृत्यु भी होता है बच्चों। कच्छ मुख में, कच्छ मतलब कुछ मुख में है और कुछ गोद में है, तो मतलब क्या हो जाएगा कि कबीर दास जी कहते हैं कि सांसारिक प्राणी इस संसार के झूठे सुख को ही सुख कहता है, जबकि यह स्थाई नहीं है, यह संसार स्थाई नहीं है, यह संसार यह नश्वर है, यह संसार तो काल का चबैना है, यह संसार रूपी चबैना कुछ तो काल के गाल में है, काल के मुख में है, और कुछ उसकी गोद में है, अर्थात काल चक्र सबको निगलता चलता है, कुछ जा चुके हैं और जो शेष है वे भी काल के मुख में चले जाएंगे। मतलब ये हुआ बच्चों कि यह जो संसार है वो क्षण भंगुर है, पल भर में है और पल भर में ही नष्ट हो जाएगा, नश्वर है, नाशवान है, और जो कि काल है, मृत्यु है, ये इस संसार रूपी चबैने को अपनी गोद में लिया हुआ है और उसको चबा रहा है, कुछ उसके मुख में है और कुछ उसकी गोद में है। तो इसलिए हम जीवात्मा को क्या करना चाहिए, परमात्मा का, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। अगली साखी है बच्चों, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैं मतलब बच्चों मैंने पिछली साखी में आपको बताया था अहंकार, घमंड। यहाँ पर कबीर दास जी का क्या कह रहे हैं कि जब मेरे मन में, मेरे हृदय में अहंकार की भावना थी, घमंड था, तब कौन नहीं था, ईश्वर नहीं थे, हरि नहीं थे, अब हरि है मैं ना ही, अब मेरे हृदय में ईश्वर का वास है, मैं की भावना नहीं है, अहंकार नहीं है। और ये सब कैसे हुआ, सब अंधियारा मिट गया, कौन सा अंधियारा, कौन सा अंधकार, अज्ञानता रूपी जो अंधियारा था, अंधकार था, वो मिट गया जब दीपक देख्या माही। दीपक, दीपक के उजाले से अंधकार नष्ट होता है बच्चों। तो जब ज्ञान रूपी दीपक, मेरे गुरु ने जब मुझे ज्ञान दिया, तो ज्ञान रूपी दीपक को जब मैंने जलाया, तब जो है अज्ञानता का जो अंधकार छाया हुआ था वो समाप्त हो गया मेरे हृदय से, और मेरे हृदय का जो अहंकार था वो नष्ट हो गया, और मेरे हृदय में ईश्वर का वास हो गया। अगली साखी है बच्चों, कबीर कहाँ गरबियो ऊँचे देख आवास, काल ही पर्यो भय लौटना ऊपर जामे घास।